सो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यूज़ करते हो तो आपके पास एक SMS आया होगा जिस पर लिखा होगा कि आपका अकाउंट से 147 रुपये कट चुका है। तो आपका 147 रुपये किस वजह से कटा है, किस लिए कटा है, सारा कुछ प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यूज़ करते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। सो गाइस, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यूज़ करते हो तो आपका 147 कट चुका होगा, जिसमें आपको मैसेज आया होगा 147 रुपये कट चुका है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपका 147 रुपये कट चुका होगा। डेबिट कार्ड जो यूज़ करते हैं उसका चार्जेस हैं, आपको एक साल में डेबिट कार्ड यूज़ करने का आपको चार्ज देना होता है 147 रुपया। जिस तरह से आप डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो उसका आपको चार्ज देना होगा 147 रुपया, जो कि आपका अकाउंट का कट चुका है, जिसका आपको SMS मिला होगा कि आपका 147 रुपया कट चुका है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यूज़ करते हो जिस पर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपका 147 रुपया कट चुका है, जिसका SMS आपके पास आया होगा। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं कि हमारा 147 रुपया किस तरह से कटा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कट जाएगा। सो इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं।